दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo V29 स्मार्टफोन को Moto Edge 40 स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Vivo के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5K वाली कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन यार अगर आपको एक लेवल और ऊपर की कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5K वाली डिस्प्ले मिल रही है भाई जो कि बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको फोन के अंदर ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Vivo फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि फनटेस्ट 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Moto फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार नो डाउट जो Moto के अंदर हमें नियर स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है ना भाई, ऑलमोस्ट क्लीन एक्सपीरियंस फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन यार Vivo के फन टच की तरह नहीं कि दुनिया भर के तो आपको ब्लोटवेयर ऐसे मिल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें डायमंडसिटी 8020 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको एक लेवल और ऊपर की बढ़िया गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें डायमंडसिटी 8020 मिल रहा है भाई जो कि एकदम शानदार वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो Vivo के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Moto के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों Moto फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया डिटेलिंग्स के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का भाई एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। भाई कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि Vivo फोन के मेन कैमरा ने डिटेलिंग्स को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और सच में यार मुझे खुद भी इस फोन का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Vivo के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Moto के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। भाई वैसे तो सेल्फी फोटोज के मामले में Moto का फोन बढ़िया है, लेकिन दोस्तों बढ़िया डिटेलिंग चाहिए ना भाई, तो डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। सच में यार इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा भाई काफी ज्यादा बढ़िया फोटोज क्लिक कर देगा आपकी। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Vivo फोन यहां पर 4600mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 4400mAh की बैटरी दी गई है जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में भी यहां पर Vivo का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो Vivo फोन यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन यहां पर स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Vivo फोन के 8+256GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 34,000 पे, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 पे। अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है जहां पर आप बढ़िया वाली गेमिंग भी कर पाओ, तब आप यहां पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन भाई दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट भाई कैमरा है ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही तो मेरे कुछ ऑनेस्ट
ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।